असली और नकली पुलिस ने मिलकर शहर में लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश से नागपुर गुटखा और तंबाकू तस्करी करने वालों को गिरफ्तारी का डर बताकर 4.30 लाख रुपए लूटे गए। मोटी रकम जाने के बाद गुटखा तस्कर को फर्जी कार्रवाई का पता चल गया और पुलिस से शिकायत की। तहसील पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ की है। लूट की इस वारदात में असली और नकली पुलिस वाले शामिल होने का खुलासा हुआ। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में राउत नगर दिघोरी निवासी संदीप भीमराव सुरडकर, मास्कासात तेलीपुरा निवासी रितेश महादेव मस्के, जय भीम चौक इतवारी निवासी मंगेश तात्याराव सावरकर, टेकानाका निवासी सचिन दिलीप मेश्राम और लाभ लक्ष्मी नगर कलमना निवासी अभिलाष संतोष नामदेव का समावेश है। स्वामीनगर तांडापेट निवासी हेमराज मोरोबा नंदनवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। हेमराज किराए पर माल वाहन लेकर मध्य प्रदेश जाता है, वहां पर किसानों से सब्जी खरीदकर नागपुर में बेचता है। पिछले कुछ महीनों से वह सब्जी की आड़ में गुटखा और तंबाकू की तस्करी भी कर रहा था। दिनांक 20 फरवरी रोजी सायंकाळी फिर्यादी हेमराज मोरबाजी नंदनवार यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की पोलीस गणवेशात येऊन त्यांच्याकडून गाडी मध्ये गुटखा असल्याचं सांगून त्यांच्याकडून पैशाची मागणी करून रक्कम घेऊन गेले असल्याबाबत तक्रार त्यांनी येऊन समक्ष दिली। सदर तक्रारीवरून तक्रारीची दखल घेऊन आम्ही स्वतः आमच्या जीबी पथकासह घटनास्थळाला प्रथम भेट दिली। घटनास्थळाच्या आजूबाजूला जे एंट्री एक्झिट पॉईंट आहेत त्याची पाहणी केली। त्यावरून फिर्यादी व त्यांचे साथीदार घटनेच्या वेळी जे तिथे हजर होते त्यांच्याकडे सदर तक्रारीबाबत खात्री केली, शहानिशा करून पुढील तांत्रिक तपास केला व आरोपींचा शोध घेणे सुरू केले व तक्रारदाराची तक्रार घेण्यास सुरू केली असता तक्रारदाराच्या तक्रारीवरून आरोपींचा शोध घेत असताना असं निष्पन्न झालं की यातील फिर्यादी हे त्यांचा सब्जी भाजीचा व्यवसाय आहे। ते सब्जी भाजी पांढुर्णा येथून घेऊन येतात व इथे आणून इथल्या कळमना मार्केटमध्ये विकतात। तसेच दरम्यानच्या कालावधीत त्यांनी पांढुर्णा येथून अवैध जो गुटखा आहे तो ही घेऊन येत होते। सदरची माहिती यातील आरोपी पोलीस कर्मचारी सचिन मेश्राम यांना त्याच्या इतर साथीदार यांनी दिली होती। त्यावरून यांनी फिर्यादी हेमराज नंदनवार हे दिनांक 20 रोजी जेव्हा पहाटे पुलिस अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। नगद और गुटखा मिलने की भी जानकारी है। वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी ग्रामीण पुलिस का कांस्टेबल सचिन मेश्राम है। बताया जाता है कि आरोपी पहले से हेमराज की गतिविधियों पर निगरानी कर रहे थे। पुलिस कर्मी ने ही लूट की योजना बनाई और अपने साथियों की मदद से लूट की वारदात को अंजाम दिया।